हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें मैं आज बताऊंगा कि SSC CPO का अगर आपने मेंस का एग्जाम दिया है तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कितना मार्क्स मैं सही करूं कि मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस, दिल्ली सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हो जाए। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कितना सेफ स्कोर होगा जिसपे आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज अ दिल्ली सब इंस्पेक्टर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज जानेंगे हम लोग SSC CPO के दिल्ली सब इंस्पेक्टर के 2022-23 का जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा क्या रहेगा उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर फीमेल का बात कर लें, इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है कि कोई भी एक पोस्ट पाने के लिए आपको कितने नंबर आने चाहिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसमें जाके आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो उसमें मैंने डिटेल एनालिसिस आपको बताया है, तो उसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसलिए जल्दी से मैं आपको बता दूंगा। अगर यहाँ देखें तो 2019 में फीमेल का जो वैकेंसी था 79 वैकेंसी था, जिसमें जो कट ऑफ गया था आपका 302 गया था आपका UR का, अनरिजर्व कैटेगरी का। 2020 का अगर बात करें तो देखिए 78 वैकेंसी था और जो कट ऑफ गया था 311 गया था फीमेल का। अगर 311 फीमेल लाइन थी तो उनका क्या हो गया था, सिलेक्शन हो गया था आपके SSC CPO के दिल्ली सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे। 2022 का अगर बात करें तो वैकेंसी 112 इस बार है और उम्मीदता है कि 290 अगर आपका आ जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी से, अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका 290 आता है तो पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज ए दिल्ली सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब मेल का बात करेंगे। तो मेल का हम लोग डिटेल्स में पहले देखेंगे, 2019 का अगर देखें तो देखिए कितना वैकेंसी, 47 वैकेंसी था अनरिजर्व कैटेगरी का और 2020 में क्या हुआ, 32। तो जब वैकेंसी देखिए 47 ज्यादा था तो आपका कट ऑफ क्या होता है, डिक्रीज हुआ था, और यहाँ देखिए कम हुआ तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर अभी UR का देखें अनरिजर्व कैटेगरी का तो वैकेंसी कितना हो गया, 103 हो गया है, करीब करीब अगर बात करें ना तो 3 गुना वैकेंसी हो गया है। तो अगर ये कैलकुलेशन लगाया जाए इस हिसाब से ये कितना कट ऑफ जाने का अनुमान है, तो फ्रेंड्स अगर आपके नंबर 315 आ जाएंगे, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर आपके नंबर 315 आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि अगर मिनिमम का बात करें अनरिजर्व कैटेगरी का, जो प्रीलिम्स में मिनिमम गया था वो गया था 115, तो जो बाउंड्री पे है उनको, उनके लिए डिफिकल्ट है आपका दिल्ली SI पाना, लेकिन जो भी 10 नंबर 20 नंबर या 30 नंबर ज्यादा है वो इतना मार्क्स लाके दिल्ली SI बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें OBC का, तो OBC में अगर वैकेंसी देखें तो वैकेंसी 2019 में कितना था, 38 वैकेंसी था जिसमें कट ऑफ गया था मेल का 315 गया था, 315 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो गया था एज अ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। वैकेंसी का अगर बात करें 2020 में तो बहुत कम वैकेंसी हो गया था, 6 वैकेंसी हो गया था, जिस कारण क्या हो गया, कट ऑफ आवा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 331 कट ऑफ चला गया था। अगर इस बार वैकेंसी का बात करें तो 54 वैकेंसी है, 54 वैकेंसी मतलब 2020 में 6 था उसका 9 गुना वैकेंसी अभी है। तो अगर बात करें कि कितना ओबीसी का कट ऑफ जाने का अनुमान है, तो ओबीसी का कट ऑफ जो है आप, अगर आपका नंबर, मुझे जहां तक अनुमान लगता है 305 से 310 के बीच आता है ना, तो आपका सेफ स्कोर रहेगा, आपका चांसेस रहेगा कि आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस SI में हो जाए। तो अगर अनुमान इसी प्रकार अगर लगाएं तो ओबीसी का प्रीलिम्स में कितना गया था, लगभग 102 गया था, तो 102 गया था, तो अगर आप 200 में 200 भी ले आते हैं ना तब भी आपका नहीं आ पाएगा, जिनका बाउंड्री से ऊपर है 10 नंबर 20 नंबर उनको पॉसिबिलिटीज है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके दिल्ली SI में, और बहुत कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी जमा नहीं करते हैं अच्छे नंबर होने के बावजूद भी। नेक्स्ट बात करें EWS का, तो EWS का वैकेंसी अगर देखें 13 वैकेंसी था 2019 में जिसमें मेल का गया था 312, 9 वैकेंसी हो गया 2020 में जिसमें मेल का गया 321। नेक्स्ट बात करें आपका, तो EWS का हो गया कितना वैकेंसी, अभी कितना है, 23 है, पिछला बार 9 था 321, इस बार करीब करीब क्या हो गया, 2.5 गुना वैकेंसी हो गया है। तो मेल का अगर कट ऑफ बोले EWS का, तो EWS का अगर कट ऑफ बोले मेल का ना, तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा, 310 प्लस जाने का अनुमान है, 310 प्लस अगर आपका आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। EWS का अगर प्री का बात करें तो 103 गया था आपका, 103 गया था मिनिमम कट ऑफ, ठीक है ना, EWS का गया था तो ठीक है, प्रीलिम्स में गया था। नेक्स्ट बात करते हैं SC का, अगर बात करें तो SC का अगर देख लें तो 2 वैकेंसी पे आपका कट ऑफ कितना गया था, 307 गया था दिल्ली SI के लिए, और वैकेंसी जब इंक्रीज हो गया 220 हो गया, तो देखिए कितना गिर गया, मतलब करीब करीब 15 नंबर आपका क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, अब जो वैकेंसी है SC का वो हो जाए 30, मतलब करीबन करीबन यहाँ भी 2.5 गुना है, 2.5 गुना है, और इतना जो हो गया ना, इस कारण क्या होगा, इस बार जो कट ऑफ जाएगा 2022 का वो हो जाएगा आपका SC का, अगर आपका नंबर मेरे हिसाब से 285 से 290 के बीच में आता है ना, तो आपका पक्का प्लस में जितना भी रहे वो तो प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज ए दिल्ली सब इंस्पेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ST का, ST में अगर देखें तो वैकेंसी जो था 2019 में 6 था जिसमें 281 कट ऑफ गया था,
फिर क्या हो गया, 15 हो गया वैकेंसी, 278 कट ऑफ गया। देखिए वैकेंसी इंक्रीज हुआ आपका, क्या हो गया कट ऑफ, क्या हो गया डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट यहां बात करें 18, 3 वैकेंसी पिछले साल से ज्यादा है, तो मैं जो अनुमान लगा रहा हूं कि कट ऑफ जो रहेगा ना आपके इसी के बीच में रहेगा, तो आपका 275 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज अ दिल्ली सब इंस्पेक्टर में। तो ये बिल्कुल मैंने एनालिसिस करने के बाद बताया, डिटेल्स में आपको मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूँ क्योंकि एक दो कमेंट मैंने देखा था जिसमें बोला गया कि सर डायरेक्ट बताइए मुझे क्या कट ऑफ रहने का अनुमान है, इतना एक्सप्लेन मत कीजिए। तो ठीक है, मैं इसलिए इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैं सीधा आपको कट ऑफ बता रहा हूँ कि अगर आपके इतने नंबर आ जाएंगे आंसर के आने के बाद तो पूरा पूरा चांस रहेगा कि आपको दिल्ली एसआई मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा है, जल्दी ही आपका मेडिकल से रिलेटेड भी वीडियो आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।